मैंने ये BTF वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं और उनका मैथ का लेवल थोड़ा सा वीक है। में आपके सामने लिखे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वो इस वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले फॉर्मूले के ऊपर। बच्चों ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे वो फॉर्मूले हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन करते टाइम में यूज होंगे, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी चीज मैंने बताई हुई है। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले पहले वाले फॉर्मूले के ऊपर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई थिंक हम लोगों ने 8, 9, 10 तीनों क्लास में पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेकेंड फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फर्स्ट फॉर्मूला तो लगभग सब बच्चों को पता होता है, लगभग सब बच्चों को पता होता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्मूले में बच्चे फंस जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन में क्या होगा, पहला यहां पर वन दिया हुआ है तो यहां पर वन को मैं वन स्क्वायर लिख सकता हूं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्यों लिख सकते हैं, तो बच्चों वन का मतलब वन स्क्वायर ही होता है। मैं इसलिए लिखूंगा ताकि मेरे पास फॉर्मूला बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये यही डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है, ये वाला यूज होने वाला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम उसी तरीके से वन को मैं वन क्यूब भी लिख सकता हूं, और अगर मैंने क्यूब लिख दिया तो यहां फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्यों हुआ बच्चों, ये एक्स ये ए की जगह काम कर रहा है, ये बी की जगह काम कर रहा है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उसी फॉर्मूले को मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया, उसी तरीके से मैंने चेंज कर दिया है। जो थर्ड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिफ्थ को चेंज कर दिया है, ठीक है। अगला देखते हैं, एक्स प्लस वन इंटू, बच्चों इसको आगे पीछे कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना, यहां पर वन आ सकता है और यहां एक्स आ सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो जाएगा तो, ठीक है। तीसरा आता है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस ए बी मतलब माइनस वन इंटू एक्स, तो मेरे पास ये आ गया। इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए इसका यूज होता है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इस टाइप का आता है हमें हमारे पास। तो हमें क्या करना होगा, यहां से एक्स कॉमन लेना होगा और यहां से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फोर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जहां पर ये आए, मुझे मालूम है आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में, कॉमन लेने के बारे में पता होगा, लेकिन वहां पर जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व कर रहे होते हैं तो एकदम से याद नहीं आता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स दिया हुआ है, टू एक्स दिया हुआ है, तो वहां से एक्स को कॉमन लेना है, मतलब पहले के पास पावर टू है और दूसरे के पास पावर वन है और कुछ नहीं है, तो वहां से हम लोग कॉमन लेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। बच्चों ये नौ फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं हमारे पार्शियल फ्रैक्शन में। जिनको पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत तसल्ली से करना है, वो लोग इन नौ फॉर्मूले को अच्छे से कर लें, ठीक है।
फटाफट हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आगे चलने के बाद बहुत इजी है। अगली वीडियो आप लोग देखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन की, तो बहुत आसान लगेगी अगर ये फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले, 15-20 मिनट की जो वीडियो होगी, अगर ये हमारी पूरी हो गई तो उससे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट के तीन पार्ट की। पहला पार्ट बहुत आसान चीज है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या मतलब होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का? किसी भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पता है ना, इक्वेशन टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। तो यहां अगर हम लोग बात करें कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोल गया मैं बोलता हूं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर, ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूं 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 4x माइनस 1, इसके अंदर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 4। क्या बोलेंगे बच्चों? 4। सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। 4 मेरे पास क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, 4 क्या हो गया? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बात याद रहेगी, हाईएस्ट पावर पूरे पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर कौन सी है? 4। तो मेरे पास क्या हो गया? ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ में आ गई? चलो, अगर मैं बोलूं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसका क्या होगा भाई? इसका पॉलिनोमियल, इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? मैंने क्या बोला? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 90% बच्चे आंसर देते हैं सर 1, बट 1 आंसर नहीं होगा। क्या बोला मैंने? 1 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? पूरा सोल्व करने के बाद, क्या बोला मैंने? पूरा सोल्व करने के बाद जो हाईएस्ट पावर बनती है वो बनती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको सोल्व कर लूं तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया क्या चीज? एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? यहां हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इस डिग्री, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। याद रहेगी बात, मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और सोल्व करने के बाद जो पावर बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है बात मेरी? चलो, इससे ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है पॉलिनोमियल के सीन में। अब बात करनी है बच्चों मिडल टर्म स्प्लिटिंग की। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, नाम तो सुना ही होगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने पर्टिकुलर इसके लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाकर के देख सकता है, बट मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को मिडल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। ठीक है, यहां पर एक दो क्वेश्चन बता दूंगा, उन कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मुझे सोल्व करना है। क्या करना है भाई? सोल्व करना है। याद होगा ना फैक्टर कैसे बनाते हैं इसके, पता है ना कैसे? एड करने के बाद 5 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आए, ऐड करने के बाद 5 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आए। जिसको लगता है मुझे जार डेफ में सीखना है, देख लेना भाई। ठीक है, चलो सो सर्च कर लेना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग बाय राजन सर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, बट इतना ही बहुत है। ठीक, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 को और 1 को, x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। 4 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, बिकॉज 4 चाहिए था हमें। यहां से हम लोग क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे, क्या बचा? x प्लस 4 बच गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे? 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 बच गया, इक्वल टू 0 आ गया।
तो क्या हो गया, x प्लस फोर को इन दोनों में से एक बार इसको लिख लेते हैं और एक बार इसको लिख लेते हैं, तो क्या हुआ x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं है यार, बहुत आसान चीजें, कॉन्सेप्ट ही तो है, हम लोगों ने पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग करके। मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, एड करने के बाद माइनस सेवन आए, क्या बोला मैंने, एड करने के बाद माइनस सेवन आए, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस ट्वेल्व आए, दो नंबर बताने हैं, कौन कौन से नंबर, एड करने के बाद माइनस सेवन और मल्टीप्लाई करने के बाद 12, दो नंबर कौन से होंगे, एक होगा माइनस चार एक्स और दूसरा होगा माइनस तीन एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा, इन दोनों को ऐड किया ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या x माइनस फोर, इन दोनों में से माइनस थ्री को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक बार इसको और इसको लिख देंगे तो x माइनस थ्री और एक बार इन दोनों में से एक को लिख देंगे तो x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग होकर के आ गई, इतना सही था और कुछ नहीं था मिडल टर्म स्प्लिटिंग में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक की, जिसके अंदर बच्चे फंसते हैं, जिसके अंदर बच्चे फंसते हैं, और वो क्या है, अलजेब्रिक डिवीजन। क्या है भाई, अलजेब्रिक डिवीजन। अलजेब्रिक डिवीजन क्या होता है, एक जगह ही यूज होना है अलजेब्रिक डिवीजन, ज्यादा जगह यूज नहीं होगा, पूरी पार्शियल फ्रैक्शन में एक जगह यूज होगा, लेकिन अगर हमें अच्छे से समझना है चीजों को तो हमें अलजेब्रिक डिवीजन को अच्छे से करना होगा। क्या करना है, तसल्ली से ध्यान से सुनना, मेरे पास दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और इस चीज को डिवाइड करना है हमें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस चीज से हमें इसको डिवाइड करना है। बातें समझ में आ रही है, ऊपर से तो नहीं जा रही, ध्यान से सुनना, इसको इस चीज से डिवाइड करना है, ये हमें आना चाहिए। एक बार ये करवाऊंगा और एक बार एक इसके जैसा ही और क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले, सबसे पहले पहले वाले को और यहां से पहले वाले को, दोनों के पहले वाले को उठाना है और रफ नोटबुक में x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर लिख देना है। बात समझ आई, मैंने इसको काटा, बचा कितना x स्क्वायर, पता होगा सबको क्या बचा भाई, x स्क्वायर बच गया। ठीक है, चलो x स्क्वायर को हम लोग यहां लिख देंगे और इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे। दोबारा बताऊं क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करेंगे, जो बचा उसको यहां लिखेंगे और इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर को 3x किया 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर को 2 से किया प्लस 2x स्क्वायर, उसके बाद सबका साइन चेंज होता है। सिंपल डिवीजन है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, नहीं भूल गए हम लोग, कोई बात नहीं, हम लोग यहां पढ़ेंगे। ठीक है, क्या हुआ, माइनस माइनस माइनस, सबके साइन चेंज करने होते हैं, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हुआ, ऊपर नीचे वाला बराबर हो गया, इसका साइन अब ऊपर ये नहीं रहता, ये रहता है, इसका साइन माइनस का हो जाता, प्लस वाला नहीं होता, तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, ऑब्वियस ही बात है, प्लस एक्स में से माइनस एक्स का माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा, ये इसलिए ये कट गया। यहां से क्या बचा भाई, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, क्लियर हो रही है बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो चल तो सुनते जाओ। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करेंगे, पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करेंगे, तो क्या किया, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किया
कैंसिल हो गया, बचा कितना 2, तो यहां लिख दो 2। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, लिख दिया। लिखने के बाद क्या करोगे, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे और यहां सोल्व कर दोगे। तो 2 से एक्स स्क्वायर को किया तो 2x स्क्वायर, 2 से 3x को किया तो +6x, और 2 से 2 को किया तो +4। माइनस 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 कैंसिल हो गया, -11x और -3। कितना ही तो है अल्जेब्रिक डिवीजन, कितना सही है अल्जेब्रिक डिवीजन। क्या करना है, पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड, पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड, उसके बाद जो बचा उससे तीनों को मल्टीप्लाई और यहां लिख देना, दैट्स इट, और सोल्व करते चले जाना है। आ जाएगा मेरा रिमाइंडर, आ जाएगा क्वेश्चन, आ जाएगा बाकी चीजें तो हमारे पास है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। (6x^4 + 3x^3 + 7x^2 - x) इसको करेंगे 2x^2 + 5x - 1 से करें। चलो करते हैं फिर, पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड, 6x^4 को 2x^2 से करेंगे, ये 3 जा हो गया और ये कटा 2 आ गया, कितना बचा x² बचा, तो x² यहां आया, x² से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां लिख देंगे, x² से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3x² आ गया, 3x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बचा कितना 6x^4, 3x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई 3 × 5 = 15 आ जाएगा, x² से x को किया तो कितना आ गया x³ आ गया, और अब इससे इसको किया हमने तो माइनस का 3x² आ गया। बातें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत हो बैक करके देख लेना। माइनस माइनस प्लस कैंसिल, यहां से कितना बचा 12x³ और यहां से कितना बचा 10x² और यहां से कितना बचा x। ठीक है भाई, पहले वाले को पहले वाले से करो, -12x^3 / 2x² (2 से कैंसिल हुआ 6) ये कैंसिल हुआ 3, कितना बचा -6x, तो -6x हम लोग यहां लिख देंगे, -6x से इसको मल्टीप्लाई करो तो -6 से 2 हुआ तो -12x^3, 6 से 3 हुआ -30x² और -6x से 1 हुआ तो +6x, प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 30 है ये, कितना हुआ प्लस का 40, 40x² माइनस का कितना बचा -7x। अब उतारने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी करना पड़ेगा, बिकॉज यहां की जो पावर है इससे छोटी ना हो जाए, यहां की जो पावर है जब तक इससे छोटी ना हो जाए तब तक हमको करते चलना है। तो इसके पहले वाले से इसके पहले वाले को डिवाइड करो, तो क्या हुआ भाई 40x² को 2x² से डिवाइड करो, कैंसिल हुआ, कितना बचा 20, तो क्या हुआ ये प्लस का 20, 20 से पूरे को मल्टीप्लाई करो और लिख दो नीचे, तो 20 से 2 को किया 40x², 20 से 5 को किया 100x और 20 से 1 को किया तो -20, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, -17x और +20, ये मेरा आंसर आ गया। इसको क्वोशेंट बोलते हैं और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। आ गया मेरा आंसर, बातें समझ आ गई, आई थिंक कॉन्सेप्ट सारे हमारे क्लियर हो गए होंगे। और अब आप लोग चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन की मेन वीडियो को, जिसके अंदर वो सारी चीजें दी हुई हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगी, आप लोग जा करके तसल्ली से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली और फटाफट 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 सारी चीजें समझ में आने जाने वाली है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मिशन इंजीनियरिंग के ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।